हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ इंट्राडे टिप्स एंड रिकमेंडेशन के साथ दोस्तों आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, डेली बेसिस की तरह आज भी दो बेहतरीन स्टॉक लेके आऊँ जो आप लोगों को कल की डेट में काफ़ी ज़ोरदार और काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस करके देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाक से हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यही बोलूँगा, अगर आप लोगों ने हमारे प्रॉफिट गुरु चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि दोस्तों हम डेली बेसिस पर आप लोगों के लिए इसी प्रकार के इंट्राडे के टिप्स और निफ्टी बैंक निफ्टी के स्टॉक के लेवल्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ पर प्रोवाइड करते रहते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जाके फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आज का मार्केट अपडेट जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट में दोस्तों आज हमें हल्की सी गिरावट देखने को मिली, लगभग 15,810 रुपये के लेवल पे मार्केट क्लोज हुआ है। अब देखिए, जो भी दो स्टॉक मैं आप लोगों को अपडेट कर रहा हूँ प्रॉपर टेक्निकल एंड फंडामेंटल व्यू के अकॉर्डिंग अपडेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो है ना एक नॉलेजेबल और एक दोस्तों एजुकेशन पर्पज से होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 23 स्टॉक आज ऐसे थे जो पॉजिटिव थे, 27 स्टॉक हमें नेगेटिव देखने को मिले, जिसमें से आप टॉप गेनर की लिस्ट यहाँ पर चेक कर सकते हो और टॉप लूजर की लिस्ट भी देख के चल सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं में से दो बेस्टरिंग स्टॉक है जो आपको कल की डेट में काफी जोरदार परफॉर्मेंस करके देने वाले। तो चलिए, जो फर्स्ट स्टॉक है उसके ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो आप लोगों के लिए जो फर्स्ट स्टॉक है उसका नाम है लुपिन लिमिटेड, फार्मा कंपनी है। दोस्तों इस फार्मा कंपनी का आज का परफॉर्मेंस अगर देखेंगे तो 1% की तेजी देखने को मिली, करीबन 1164 रुपये पर क्लोज हुआ है। प्रीवियस क्लोज तक दोस्तों 1152 रुपये 35 पैसे, स्टॉक ओपन होता है 1158 रुपये 10 पैसे, हाई लगाता है 1169 रुपये 35 पैसे और हाई लगाता है दोस्तों लो लगाता है स्टॉक 1153 रुपये 55 रुपये। अगर देखा जाए तो स्टॉक में ऑलमोस्ट अगर प्रीवियस क्लोज हाई और लो को कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट हमें स्टॉक में देखने को मिल रहा है करीबन 17 से 18 पॉइंट का मूवमेंट। वॉल्यूम की अगर मैं बात करता हूँ तो दोस्तों लगभग हमें 13 लाख क्वान्टिटी का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, जिसमें से आप 52 बिक का हाई 52 बिक का लो भी यहाँ पर देख के चल सकते हो। देन उसी के साथ साथ आप देख सकते हो कि स्टॉक का जो दोस्तों आज का डिलीवरी पैटर्न है जिससे दोस्तों काफ़ी अट्रैक्शन देता है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है, लगभग 41.26% का क्वांटिटी अगर आप देखेंगे तो 5,37,000 देखने को मिल रही। मतलब दोस्तों इंट्राडे का जो लुपिन का डाटा है वो बहुत शानदार है। अब हम चलते हैं दोस्तों इसके टेक्निकल व्यू पे, क्या मोमेंटम मिलेगा ये देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे लुपिन का चार्ट पैटर्न हमने आप लोगों के सामने ओपन किया है 28 तारीख, मतलब आज ही का चार्ट अपडेट कर रहे हैं, 15 मिनट का यहाँ पर कैंडल चार्ट है। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो स्टॉक में क्या हुआ, पहले देखिए गैप अप ओपनिंग लेता है बड़ा सा, ठीक है। देन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में दोस्तों ये लेवल मतलब 1155 रुपये के आसपास स्टॉक हाई लगा देता है, कहाँ पर करीबन 1165 रुपये का, ठीक है। देन उतनी जगह में वो कंसोलिडेट करता है, आपको इतनी जगह में अगर आप ट्रेडिंग भी लेने जाओगे ना दोस्तों तो आपको नहीं मिलेगा। आपको अगर एक मिनट का कैंडल चार्ट लगाओगे तो वहां पर थोड़ा सा पोजीशन मिल सकता है, लेकिन आप वहां पर कतराओगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों बड़े टाइम फ्रेम पे वहां पर मल्टीपल कंफर्मेशन हमें नहीं देखने को मिला, लेकिन एक लेवल देखने को मिला जो एकदम सपोर्ट के जरिए काम कर रहा था। मतलब ये तो कंफर्म हो चुका था कि 1155 रुपये का लेवल दोस्तों सपोर्ट का काम हमें करेगा, तो हमें एक उम्मीद थी कि आगे मोमेंटम अच्छा खासा बनेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर बाइंग होती है उस प्रकार से यहाँ पर सेलिंग होती है, ठीक है। फिर यही बाइंग दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये बाइंग के बाद ये सेलिंग हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। आप देख सकते हो यहाँ तक स्टॉक आता है लगभग वही 1157-1158 रुपये के लेवल तक। देन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में फिर अच्छी खासी हमें तेजी उस सपोर्ट लेवल के ऊपर से ही देखने को मिलती है। तो यहाँ पर दोस्तों ये कन्फर्म हो रहा था कि स्टॉक में दो बार बाइंग, ठीक है, दो बार सेलिंग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर तीन बार बाइंग, ये इस प्रकार से मोमेंटम भी हमें देखने को मिला था। तो यहाँ पर जो सपोर्ट से एकदम से उसको पुशअप मिला तो स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको मैंने दिखाया वो सपोर्ट बन चुका था। तो उस स्टॉक को अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो यहाँ तक आया, देन दोनों कैंडल ऐसी रिकवर हुई जैसी दोस्तों स्टॉक में बहुत तेज़ी से नीचे से लात मारी गई, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं, जब भी जाके वो स्टॉक में एकदम से ऊपर चले गए, ठीक है। तो मतलब ये कैंडल एकदम पूरी तरीके से रिकवरी के या आखिरी के 15 मिनट की, तो मतलब ये कि एक पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ एक काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ ये आखिरी कुछ कैंडल के अकॉर्डिंग बंद हुआ है। तो मतलब हो सकता है कि स्टॉक कल एक गैप अप ओपनिंग ले और एक ऊपर की तरह अपने को मूव दिखाए, ठीक है। तो चलिए चलते हम उसके अकॉर्डिंग आपको लेवल्स अपडेट कर देते हैं।
तो दोस्तों आशा करता हूँ स्टॉक का टेक्निकल व्यू आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखिए एकदम हाई पर क्लोज हुआ है स्टॉक, तो डेफिनेटली हम हाई से थोड़ा ऊपर बात करेंगे, मतलब स्टॉक को अपने ये हाई के आसपास। दोस्तों स्टॉक करीबन 1171 रुपये से आप बाय करना। ठीक है, टारगेट की अगर मैं बात करता हूँ तो 1179, मतलब आपके लिए 8 पॉइंट का टारगेट होने वाला है। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया टेलीग्राम ऐप स्टॉक एंजल ब्रोकिंग, अगर वहाँ पर जाके आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो हमारे साथ प्रीमियम टेलीग्राम में ट्रेडिंग करने का आप लोगों को मौका मिलेगा दिन में 4 लेवल पे। और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दिया, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और मैं आपको SL बता देता हूँ, इसमें तो आप लेके चलेगा दोस्तों करीबन 1167 रुपये का, मतलब आप लोगों के 4 पॉइंट का SL है और करीबन 8 पॉइंट का टारगेट है। लुपिन लिमिटेड को दोस्तों आपको कल की डेट में बाय करके चलना है। अब अपन चलते हैं सेकेंड स्टॉक के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप लोगों के लिए सेकेंड स्टॉक है एस्कॉर्ट लिमिटेड। एस्कॉर्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो दोस्तों आज ये स्टॉक ने लगभग दोस्तों हमें 1.5% की तेज़ी दिखाई, 1202.35 रुपये पर क्लोज हुआ है। इसका प्रीवियस तो क्लोज था 1182.55 रुपये, स्टॉक ओपन होता है 1187 रुपये, हाई लगाता है 1210 रुपये और लो लगाता है 1177 रुपये। अगर हम लो और हाई को कंपेयर करें तो स्टॉक में ऑलमोस्ट हमें 30 पॉइंट तक का मूवमेंट हमें देखने को मिला है, जिसमें से अगर मैं वॉल्यूम की कंडीशन देखता हूँ तो आप देख तो करीबन 1431,000 क्वांटिटी का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, बहुत ही शानदार। जिसके साथ साथ आप 52 बिक का ही 52 बिक का लो भी देख के चल सकते हो। देन उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का आज का डिलीवरी पैटर्न देख सकते हो दोस्तों, लगभग 27.26% का है, जो भी काफ़ी मेसिव देखने को मिल रहा है। मतलब दोस्तों जो मोमेंटम है दोस्तों स्टॉक का वो बहुत शानदार हमें देखने को मिल रहा है। अब अपन चलते हैं दोस्तों स्टॉक के लिए टेक्निकल व्यू पे क्या मिलेगा कल के लिए मोमेंटम, ये देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो एस्कॉर्ट का चार्ट पैटर्न हमने आप लोगों के सामने ओपन किया है 25 तारीख का। यहाँ पर मैं अपडेट करूँगा सबसे पहले, मतलब लास्ट फ्राइडे का 15 मिनट का कैंडल चार्ट है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, हल्की सी तेज़ी के साथ, मतलब 24 तारीख को जब चार्ट बनता है आखिरी टाइम में, तो तेज़ी के साथ क्लोज होता है। ये तेज़ी दोस्तों 25 तारीख को कंटिन्यू रहती है इस लेवल तक, लगभग दोस्तों 1180 मान के चल सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग फिर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग बाइंग। ठीक है, ये आपने देखा, ये देखने के बाद आपको यहाँ पर भी वही दिखेगा, सेम वही पैटर्न आपको दिखेगा। अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर आप देख के चल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए गैप अप ओपनिंग लिया, ठीक है, तेज़ी दिखाई, तेज़ी के बाद प्रॉफिट बुकिंग फिर बाइंग। ठीक है, तो इससे क्या अंदाजा आता है दोस्तों कि स्टॉक में अभी एक अच्छा खासा हमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है अपसाइड का। मतलब दोस्तों बाइंग जब सेलिंग होता है, सेलिंग के तुरंत बाद बाइंग आता है। ठीक है, अब तुरंत बाद के बाद भी दोस्तों नेक्स्ट डे भी हमें यहाँ पर बाइंग देखने को मिलती है, क्योंकि अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आपको बहुत बार दोस्तों इस प्रकार का चार्ट बनते हुए देखने को मिलेगा, मतलब मल्टीपल आप लोगों को कन्फर्मेशन देखने को मिलेगा। जो ट्रेंड लाइन अगर मैं यहाँ से भी मिलाता हूँ दोस्तों तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ से अगर इसको मिलाता हूँ तो ये एक चैनल पैटर्न में अपने अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहा है। ट्रेड करने के बाद अगर आप देखेंगे जो ये हमने बैंड वाला इंडिकेटर यूज़ किया, ठीक है, इसको यहाँ पर क्या ब्रेक कर चुका था, ठीक है, यहाँ पर उसके आसपास ही क्लोज हुआ, तो स्टॉक में एक बड़ा सा रिवर्सल हमें कल की डेट में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो एस्कॉर्ट को भी हम कल की डेट में बाय करके चलने वाले हैं। तो चलिए लेवल्स अपडेट कर देते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को इसका भी लेवल्स अपडेट पसंद आया होगा, इसका भी टेक्निकल व्यू पसंद आया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। ठीक है, तो आप लोगों को मैं लेवल्स बता देता हूँ, कल की डेट में जब आप इस स्टॉक को बाय करेंगे तो 1208 रुपये से बाय करना। ठीक है, देन उसके बाद टारगेट की अगर मैं बात करता हूँ तो 1218 या 1216 रुपये लेके चल सकते हो। ठीक है, 8 पॉइंट से 16 पॉइंट का टारगेट लेके चल सकते हो। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दिया है वहाँ पर तो सभी चीज़ें हम आप लोगों को अपडेट करते हैं। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जाके फटाफट से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। देन उसी के साथ साथ अगर मैं आप लोगों को SL की बात करता हूँ तो लगभग दोस्तों 1203 रुपये का या 1202 रुपये का आप SL लेके चल सकते हो। 5 से 6 पॉइंट का SL होगा दोस्तों और 8 से 10 पॉइंट का आप लोगों का एस्कॉर्ट लिमिटेड में टारगेट रहने वाला है। एस्कॉर्ट को और दोस्तों लुपिन को दोनों को ही कल की डेट में बाय करके चलना है। ये दो बेहतरीन टिप्स है आप लोगों के लिए जो कल की डेट में आप लोगों को जोरदार परफॉर्मेंस करके देने वाली है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं। वीडियो को क्लोज करते समय यही बोलूंगा, वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों, ये इंट्राडे की बेहतरीन टिप्स पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना, क्योंकि हम डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए इंट्राडे की टिप्स एंड मार्केट अपडेट लाते रहते हैं। थैंक यू दोस्तों।